हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिफ्थ चैप्टर, दैट इज़ महात्मा गांधी. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन 2 अक्टूबर 1869 अ ग्रेट सेंट वॉज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया. 2 अक्टूबर सन 1869 को अ ग्रेट सेंट वॉज बोर्न, एक महान संत का जन्म हुआ था इन पोरबंदर गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में, इन वेस्टर्न इंडिया जो कि दक्षिणी भारत में है. द नेम ऑफ द सेंट वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, और उस संत का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, होम वी नाउ नो एज महात्मा गांधी और बापू, जिनको अब हम महात्मा गांधी या बापू के नाम से जानते हैं. ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने हमारे देश के लिए फ्रीडम यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ी. एंड ड्यू टू हिज एफर्ट्स, और उनके कोशिशों की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से, एफर्ट्स मीन्स कोशिश या प्रयास, वी आर लिविंग इन अ फ्री नेशन, हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं. ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, और उनको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है. एज अ चाइल्ड, और जब वो छोटे थे, मोहनदास वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज ऑफ हिज एज, मोहनदास बिल्कुल भी अलग नहीं थे, डिफरेंट नहीं थे अपने उम्र के जो लड़के थे उनसे, वो बिल्कुल अलग नहीं थे. येट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, लेकिन फिर भी वो एक ऑर्डिनरी मीन्स साधारण बच्चे नहीं थे, क्योंकि वो अपने एज के जो लड़के थे उनके जैसे नहीं थे, उनसे वो अलग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो साधारण भी नहीं थे. ही वॉज द फर्स्ट मैन इन इंडियन हिस्ट्री हु फॉट विदाउट आर्म्स फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, भारतीय इतिहास में वो ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई विदाउट आर्म्स यानी बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़ी. ही वॉन द बैटल ऑफ इंडियाज फ्रीडम विदाउट यूजिंग एनी वेपन, और उन्होंने बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के आज़ादी की लड़ाई जीती. वॉन मीन्स जीता. मोहनदास वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 6 चिल्ड्रन ऑफ करमचंद गांधी एंड पुतलीबाई, और मोहनदास अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, यंगेस्ट थे, और उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी. ही वॉज द फेवरेट ऑफ ऑल इन द फैमिली, और परिवार में वो सबके चहेते थे, पसंदीदा थे. मोनिया वॉज हिज निक नेम, और उनका निक नेम मोनिया था. पुतलीबाई वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, पुतलीबाई एक गहन आध्यात्मिक औरत थी, रिलीजियस मीन्स आध्यात्मिक. मोहनदास लर्नड टू बी ट्रू ऑनेस्ट एंड गॉड फियरिंग फ्रॉम हिज मदर, और मोहनदास ने अपनी माँ से ट्रू यानी सच्चाई, ऑनेस्ट ईमानदार, और गॉड फियरिंग यानी ईश्वर से डरने वाला होना सीखा. ही इक्वली लव्ड हिज फादर ऑल्सो, वो अपनी माँ की तरह अपने पिताजी को भी प्यार करते थे, बट वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ हिम, लेकिन वो उनसे थोड़ा डरते थे. मोनिया वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस, मोनिया को अपने घर से बाहर खेलना बहुत पसंद था. फॉन्ड ऑफ मीन्स वेरी लाइकली, पसंद होना. ही सेल्डम लाइक्ड टू स्टे होम, उन्हें घर पर रुकना पसंद नहीं था. ही वेंट होम फॉर हिज मील्स एंड देन केम बैक अगेन टू प्ले आउटसाइड, वो घर पर सिर्फ मील्स या खाना खाने के लिए आते थे और वापस दोबारा मैदान में चले जाते थे. समटाइम्स, कभी कभी, वन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स टीज्ड हिम, कभी कभी उनके बड़े भाइयों में से एक उनको परेशान करते थे. देन ही वुड रन होम, तब वो घर दौड़कर आते थे एंड कंप्लेन टू हिज मदर, और अपनी माँ से शिकायत किया करते थे. वाई डोंट यू हिट दोज हु टीज यू, टीज मीन्स परेशान करना, तो तुम
उनकी माता कहती थी, द मदर वुड से लाफिंग, और हंसते हुए उनकी माँ पूछा करती थी कि तुम उनको क्यों नहीं मारते हो। हिट मीन्स मारना, दोज मीन्स वो जो तुम्हें परेशान करते हैं, यानी तुम उन लोगों को क्यों नहीं मारते हो जो तुमको परेशान करते हैं। मदर, माँ, ही वुड से, वो कहा करते थे, हाउ कैन आई हिट माई ब्रदर्स, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूँ। हाउ कैन आई हिट एनी वन, मैं किसी को भी कैसे मार सकता हूँ। गॉड विल बी एंग्री विद मी, ईश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो ईश्वर मेरे ऐसा करने से नाराज़ हो जाएंगे। द मदर देन टुक द लिटिल चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड किस्ड हिम, और तब माँ उस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में उठाती थी और उन्हें प्यार करती थी। शी वंडर्ड हाउ द लिटिल वन गॉट सच आइडियाज़, उन्हें आश्चर्य होता था, वंडर्ड मीन्स अमेज्ड, आश्चर्य होता था कि इतना छोटा सा बच्चा इस तरह के विचार कैसे प्राप्त करता है। सच आइडियाज़ मीन्स इस तरह के विचार। ही हैड अ फ्रेंड नेम उका, उनका एक दोस्त था जिसका नाम उका था। ही वॉज अ स्वीपर बॉय, और वो एक स्वीपर बॉय था, यानी झाड़ू लगाने वाला लड़का था। वन डे, एक दिन, मोहन्स मदर गेव हिम सम स्वीट्स टू ईट, मोहन की माँ ने उन्हें कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए दी। ही एट वंस, रैन आउट टू शेयर देम विद हिज स्वीपर फ्रेंड, उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही उनको वो मिठाइयाँ मिली, ही एट वंस रैन, वो तुरंत ही दौड़कर बाहर गए और अपना जो स्वीपर फ्रेंड था, कौन था, उका, उसके साथ वो मिठाइयाँ शेयर करने के लिए दौड़ पड़े। हिज मदर वॉज सिटिंग नियर अ विंडो एंड सॉ दिस, उनकी माँ घर की खिड़की के पास बैठी हुई थी और उन्होंने ये देख लिया। शी एट वंस कॉल्ड हिम बैक इन टू द हाउस एंड सेड, उन्होंने तुरंत ही उनको वापस घर पे बुलाया और उनसे कहा, डोंट यू नो ऊका इज़ एन अनटचेबल, क्या तुम नहीं जानते कि ऊका इज़ एन अनटचेबल, अनटचेबल मीन्स जिसको छू नहीं सकते, यानी अछूत, कि क्या तुम नहीं जानते हो कि ऊका एक अछूत है। हिज मदर शाउटेड इन एंगर, उनकी माँ गुस्से से चिल्लाई। मदर, माँ, सैड ही विद ऑल रेस्पेक्ट, और उन्होंने बड़े ही रेस्पेक्ट से, बड़े ही आदर से कहा, आई डोंट थिंक ऊका इज़ एन अनटचेबल, मैं नहीं जानता कि ऊका एक अछूत है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं छू सकते। ही इज़ इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम मी, इज़ ही, वो मुझसे किसी भी तरीके से, इन नो वे मतलब किसी भी तरीके में, डिफरेंट मीन्स अलग नहीं है, फ्रॉम मी मुझसे, यानी वो मुझसे किसी भी तरीके से अलग नहीं है। इज़ ही, क्या ऐसा है, इज़ ही इज़ एन क्वेश्चन टैग, यहाँ पर इज़ ही जो है वो एक क्वेश्चन टैग है। द मदर हैड नो आंसर टू गिव टू मोनिया, और मदर या माँ को, मोनिया को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी वो इस बात का जवाब ही नहीं दे पाई। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, जब उन्होंने श्रवण कुमार की एक कहानी पढ़ी, अ वेरी ओबीडियंट एंड डिवोटेड सन, जो बहुत ही ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे और डिवोटेड थे, यानी जो बहुत ही लायक पुत्र थे। His parents were old and blind, उनके माता पिता बूढ़े थे और अंधे थे। श्रवण carried them from one place to the other for pilgrimage, श्रवण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान pilgrimage यानी तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। He was deeply touched by श्रवण's devotion to her old parents, श्रवण के, he was deeply touched, उनको बहुत ही गहरा एहसास हुआ बाई श्रवण्स डिवोशन, श्रवण की जो भक्ति थी उनके माता पिता के लिए, डिवोशन मीन्स भक्ति, जो उनकी भक्ति थी अपने माता पिता के लिए, उनसे वो बहुत ही प्रभावित हुए। आई वुड बी लाइक श्रवण, मुझे भी श्रवण जैसा होना चाहिए, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा। अबाउट द सेम टाइम, और उसी समय, ही सॉ अ प्ले अबाउट किंग हरिश्चंद्रा हु वॉज फेमस फॉर हिज लव फॉर ट्रूथ, और इसी समय उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का एक प्ले देखा, एक नाटक देखा, जो सच्चाई के प्रति अपने प्रेम के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे।
ऑल मैन शुड बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्रा ही वुड ऑलवेज से। वो हमेशा कहा करते थे कि सभी इंसानों को हरिश्चंद्र जैसा ट्रूथफुल होना चाहिए, यानी सच्चा होना चाहिए। मोहनदास गॉट मैरिड विद कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13, और 13 वर्ष की आयु में मोहनदास की शादी कस्तूरबा से हो गई। मोहनदास या गांधी जी एंड हिज वाइफ ऑफन प्लेड टुगेदर। मोहनदास और उनकी पत्नी कभी कभी साथ में खेला करते थे। समटाइम्स कभी कभी मोहनदास ट्राइड टू एजुकेट हिज यंग ब्राइड। कभी कभी मोहनदास अपनी जो नौजवान दुल्हन थी, ब्राइड मीन्स दुल्हन, उसको कभी कभी एजुकेट करने की कोशिश करते थे, कभी कभी उसको पढ़ाने की कोशिश करते थे। बट शी टुक मोर इंटरेस्ट इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज़ देन इन रीडिंग और राइटिंग। लेकिन लिखने, पढ़ने और लिखने के कंपेरिजन में वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़, जो उनके घर की ड्यूटीज़ थी, जो एक कॉमन लेडी घर पर काम करती हैं, घर का सारा जो जिम्मेदारी उठाती हैं, उनको करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था मोर देन रीडिंग और राइटिंग, यानी लिखने और पढ़ने की तुलना में घर के कामों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। एट 19 ही वेंट टू लंडन टू स्टडी लॉ, और 19 साल की उम्र में वो लॉ या कानून पढ़ने के लिए लंदन चले गए। बिफोर लीविंग इंडिया, और भारत छोड़ने से पहले, ही प्रोमिस्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से वायदा किया दैट ही वुड नेवर ईट मीट, ड्रिंक अल्कोहल और स्मोक अ सिगरेट, कि वो कभी भी मांस नहीं खाएंगे, ना ही शराब पिएंगे और ना ही सिगरेट का स्मोकिंग भी नहीं करेंगे। ही कैप्ट हिज प्रोमिस थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने सारे जीवन में अपना जो प्रॉमिस किया था उसको जिंदा रखा या उसको निभाया। मोहनदास बिकेम अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर फॉर द इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों के लिए मोहनदास एक महान आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले या स्वतंत्रता सेनानी बने। हिज एम वॉज टू गेट इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उनका जो एकमात्र लक्ष्य था वो ब्रिटिश रूल से, जो अंग्रेज़ों का शासन था, उससे भारत को फ्री करना, उससे भारत को आज़ाद करना था। पीपुल फॉलोड हिम वेयर एवर इवेंट, वो जहाँ कहीं भी जाते थे, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी वो जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। दे लव्ड हिम मच एंड लविंगली कॉल्ड हिम बापू, वो उनको बहुत प्यार करते थे और प्यार से उनको बापू कहते थे। दे कॉल्ड हिम महात्मा गांधी बिकॉज ही वॉज डीपली रिलीजियस मैन, वो उनको महात्मा गांधी कहते थे क्योंकि वो बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पर्सन थे। रिलीजियस मीन्स आध्यात्मिक, धर्म में विश्वास रखने वाला, उसको कहेंगे रिलीजियस। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत ही साधारण जिंदगी जीते थे। एंड ऑलवेज वोर द ड्रेस लाइक अ पुअर विलेज फार्मर, और गाँव के गरीब किसानों की तरह वो कपड़े पहनते थे। गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन्स, और ट्रेन्स में वो हमेशा थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में, थर्ड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते थे। ही डिड सो, वो ऐसा इसलिए करते थे बिकॉज, क्योंकि ऑल पुअर पीपल ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास इन इंडिया, क्योंकि भारत में जितने भी गरीब लोग थे वो थर्ड क्लास में ही ट्रेवल करते थे। ही वॉन्टेड टू लिव लाइक द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो गरीबों में भी सबसे गरीब, पुअरेस्ट मीन्स सबसे गरीब और पुअर मीन्स गरीब, यानी वो गरीबों में सबसे गरीब की तरह ज़िंदगी जीना चाहते थे। वंस गांधी जी गॉट ऑफ एट बॉम्बे, नाउ मुंबई, फ्रॉम अ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, जब गांधी जी बम्बई में एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड देयर टू ग्रीट हिम, तो लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ गैदर्ड, इकट्ठा हो गई वहाँ, देयर मीन्स वहाँ पर, टू ग्रीट हिम, उनसे मिलने के लिए, यानी एक बहुत बड़ी भीड़ उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गई, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गई। अमंग देम, और उनमें से, किन में से, लार्ज क्राउड में से, वर सम अमेरिकन लेडीज़ ऑल्सो, उस भीड़ में कुछ अमेरिकन लेडीज़ भी थी। दे वेंट इन टू गांधी जीज कंपार्टमेंट, वो गांधी जी के कंपार्टमेंट में गई। हाउ अनकम्फर्टेबल, सेड वन ऑफ द अमेरिकन लेडीज़, उन अमेरिकन लेडीज़ में से एक ने कहा,
हाउ अनकम्फर्टेबल, कि ये कितना असुविधाजनक है। वाई डजेंट ही ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, आस्क्ड अनदर लेडी, दूसरी औरत ने पूछा कि वो फर्स्ट क्लास में, प्रथम श्रेणी में ट्रेवलिंग क्यों नहीं करते हैं, प्रथम श्रेणी में यात्रा क्यों नहीं करते हैं। लेट अस गो एंड आस्क हिम, चलो हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं, सेड वन ऑफ द जेंटलमैन फ्रॉम द क्राउड, भीड़ में से एक जेंटलमैन ने, एक आदमी ने कहा कि चलो हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं। दे कुड नॉट गो नियर गांधी जी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के पास नहीं जा पाए, सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर ही वॉज गोइंग टू स्टे, इसलिए वो उस जगह पर, उस प्लेस पर चले गए जहाँ पर वो ठहरने वाले थे, रुकने वाले थे। ही वॉज गोइंग टू स्टे, जहाँ पर वो रुकने वाले थे, जहाँ पर वो उस जगह पर, जहाँ पर वो ठहरने वाले थे, वो उस जगह पर चले गए। देयर दे हैड अ डिस्कशन विद हिम, वहाँ पर उन्होंने उनसे बहुत सारे डिस्कशन किए, बहुत सारे वार्तालाप की। देन वन ऑफ द जेंटलमैन सेड, तब उनमें से एक आदमी ने कहा, मिस्टर गांधी वी वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। यू आर अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन पीपुल, आप भारतीय लोगों के एक महान नेता हैं, बट यू ट्रेवल इन थर्ड क्लास, लेकिन आप थर्ड क्लास में ट्रेवलिंग करते हैं, वाई, ऐसा क्यों। गांधी जी लाफ्ड एंड सेड, गांधी जी हंसे और बोले, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, उत्तर इसका, उत्तर इस सवाल का बहुत ही आसान है, सिंपल है। आई ट्रेवल इन थर्ड क्लास, मैं थर्ड क्लास में सफ़र करता हूँ, बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ नो फोर्थ क्लास, क्योंकि फोर्थ क्लास है ही नहीं, यानी सबसे लोअर जो क्लास है वो थर्ड क्लास है, इसीलिए मैं थर्ड क्लास में सफ़र करता हूँ, और अगर फोर्थ क्लास होती तो मैं फोर्थ क्लास में सफ़र करता। ही लाफ्ड अगेन, वो दोबारा से हंसे, एंड द अमेरिकन लेडीज़ ऑल्सो लाफ्ड विद हिम, और उनके साथ साथ जो अमेरिकन लेडीज़ थी उनका जवाब सुनकर वो भी हंसने लग गई। गांधी जी वोर सिंपल क्लॉदिंग, गांधी जी बहुत ही साधारण कपड़े पहनते थे, विच ही स्पन एंड वोव हिमसेल्फ, जिसको वो स्पन मीन्स स्पिनिंग का सेकेंड फॉर्म है, स्पिन का स्पन, जिसको वो कातते थे, यानी चरखे से जो चलाते थे, एंड वोव हिमसेल्फ, और खुद ही उसको सिलते थे, यानी चरखे से कपड़ा बनाते थे और उसको खुद ही सिलते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन ही वॉज स्पिनिंग एट हिज स्पिनिंग व्हील, एक सुबह जब वो स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर स्पिनिंग कर रहे थे, चरखा चला रहे थे, अ बॉय केम टू हिज हट, एक बच्चा, एक लड़का उनकी झोपड़ी में आया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी गांधी जी वियरिंग ओनली अ धोती, वो गांधी जी को सिर्फ एक धोती पहने हुए देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। ही आस्क्ड बापू, ही आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा, बापू व्हाई डोंट यू वियर अ शर्ट, कि बापू आप एक शर्ट क्यों नहीं पहनते हो। इफ़ यू डोंट हैव एनी, अगर आपके पास एक भी शर्ट नहीं है, आई शैल गिव यू वन, तो मैं आपको एक देता हूँ, यानी आपके पास अगर एक भी शर्ट नहीं है तो मैं आपको एक शर्ट दे देता हूँ। गांधी जी लाफ्ड एंड सैड, गांधी जी हंसे और बोले, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे, वन शर्ट वॉन्ट डू फॉर मी, एक शर्ट मेरे लिए काफ़ी नहीं है, वॉन्ट डू फॉर मी, यानी एक शर्ट मेरा काम नहीं कर सकती। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, देयर आर मिलियंस हु हैव नथिंग टू वियर, में हमारे देश में लाखों लोग हैं, मिलियंस मीन्स लाखों हैं, हु हैव नथिंग टू वियर, जिनके पास पहनने को कुछ भी नहीं है। हाउ कैन आई वियर अ कोट और अ शर्ट, मैं एक कोट या फिर एक शर्ट कैसे पहन सकता हूँ, वैन माई कंट्री मैन हैव नो क्लॉथ्स टू वियर, जब मेरे देशवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, नो क्लॉथ्स टू वियर, यानी पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है, ऐसी सिचुएशन में मैं कोट या फिर शर्ट कैसे पहन सकता हूँ। हाउ ग्रेट अ सेंट वॉज गांधी जी, गांधी जी कितने महान संत थे। सो हियर वी फिनिश्ड दिस चैप्टर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।